सो वेलकम बैक टू वन मोर सिन ऑफिशियल पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक अच्छी सीरीज शुरू कर रहे हैं और एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज के साथ हमारे साथ है प्रतीक व्यास। क्या हाल है भाई आपके? बस बढ़िया, आनंद है? आनंद है। तो आज की जो सीरीज है ये पूरी फोकस करने वाली होगी कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट? लाइक देयर आर मेनी काइंड ऑफ बिजनेसेस विच आर रनिंग इन इंडिया, सो वेयर वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंटली टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन अवर बिजनेस, राइट? तो सबसे पहले जो हमने इंडस्ट्री चूज करी है जिसके अंदर हम एआई के ऊपर बात करेंगे वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है? अब इसमें आप कॉलेजेस कंसीडर कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज कंसीडर कर सकते हो, और तो और आप नॉर्मल जो स्कूल्स उसको भी कंसीडर कर सकते हो। और आज हम लोग उस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो कि हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फॉलो करती हैं अपने एडमिशन्स को बूस्ट करने के लिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रतीक व्यास जी, अभी बताइए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं, और हम ट्राई करेंगे कि पॉडकास्ट जितना ईजी हो सके उतना रख सके, और हमें आप स्टेप देंगे जिस स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने एडमिशन्स को बूस्ट कर सकते हो, राइट? तो आप बताइए किस तरीके से कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा आप स्टार्ट करिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यार एजुकेशन की अगर बात करें तो दूसरा मंदिर बोला जाता है एजुकेशन को, जैसे कहते हैं ना स्कूल्स कॉलेजेस, दूसरा मंदिर होता है अपना, कि जैसे सबसे पहला तो अपना जो जहाँ पर अपन चीज़ें सीखते हैं वो अपना घर होता है, दूसरा कॉलेज या स्कूल ही होता है अपना, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे अब आजकल जैसे क्या होता है कि वी आर अप्रोचिंग टू मार्केटिंग थिंग्स, ओके, बिकॉज जैसे कहते हैं ना हर इंसान को आज के टाइम में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, ही हैज़ टू बी एस्टैब्लिश, फॉर दैट ही हैज़ टू बी अ मेन मेजर रोल ऑफ देयर लाइफ्स इनटू फाइनेंशियल थिंग्स, मतलब उन्हें फाइनेंस के ऊपर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को वहाँ रखना पड़ेगा, ही हैज़ टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, उन्हें अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना होगा, जिस चीज़ के लिए अगर एजुकेशन की बात करें इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस तो एक अच्छा रोल है एजुकेशन, जिसे कहते हैं ना आज के टाइम में एजुकेशन के अंदर में जितना फाइनेंस आप निकाल सकते हो किसी और फील्ड में नहीं निकाल सकते, बिकॉज टुडे आज के टाइम में जैसे ही बच्चा पैदा होता है या उसकी परवरिश शुरू होती है उसके माँ बाप सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं, बच्चा कौन सी स्कूल में जाएगा, राइट? बच्चा कौन सी कॉलेज में जाएगा, ट्वेल्थ खत्म होते ही। तो एजुकेशन मतलब उस वहीं से प्लान हो जाती है पूरी, एजुकेशन इज द की। कहते ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो एजुकेशन के ऊपर ही पूरी बात हो रही है, बिल्कुल, कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो उसके पेरेंट्स ने पहले ही उसका ड्रीम डिसाइड कर दिया है, वैसे ही बच्चा अगर उसे कोई एजुकेशन चाहिए ही हैज़ टू बी डिसाइड कि मुझे कौन सी कॉलेज में जाना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है जो बच्चे के हाथ में, लाइक स्कूल तो बच्चे के हाथ में एटलीस्ट होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती है कि बच्चों को इतनी समझ ही नहीं होती, बिल्कुल, कि वो कहाँ जाए, ठीक है? तो उसके वो पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उसको कहाँ भेजते हैं, और स्कूल एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं सबकी लाइफ में। लाइक मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि स्कूल का क्या रोल है, ठीक है? आप भी अपनी अच्छी स्कूल से पास आउट हो, आप देख सकते हो कि आज हम दोनों पॉडकास्ट के ऊपर है, कहीं ना कहीं स्कूल का वो योगदान होता है जो हमारे फंडामेंटल्स और बेस को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? एक्चुअली स्कूल गिव्स लाइक हाउ टू थिंक बिटवीन वैल्यूज, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे कहीं काम नहीं आ रही, कहीं काम नहीं आ रही, राइट? स्कूल सिर्फ हमें वैल्यूज सिखाती है, तभी तो वो उस बाउंडेशन में रखते हैं हमें दैट वी आर एबल टू बिकम अ गुड पर्सन, कि हम एक अच्छे इंसान बन सके, जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल्स हो गई, मिशनरी स्कूल्स हो गई, ठीक है? मैं 2 साल मिशनरी स्कूल में रह चुका हूँ, इमैनुअल मिशन स्कूल, उससे क्या है ना कम्युनिकेशन इम्प्रूव, कम्युनिकेशन उससे इम्प्रूव होता है, बिकॉज दे टॉट अस टू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा नहीं होता है वी कांट स्पीक इन हिंदी, इफ वी स्पीक देन वी गेट अ ह्यूज बीट ऑन अवर हैंड, सो नॉट ह्यूज बीट, वो तो मिलता है, प्रसाद तो मिलता है, फाइन और मिलता है, दैट यू हैव टू पे 10 रुपीज फॉर दैट, कि आप एंड दैट टू विद द नोट इन द डायरी, बिल्कुल, और एक नोट और दे दे डायरी में कि आपके बच्चे ने आज हिंदी बोल दी। There is a list of punishments which we get in convent school if we try to speak in Hindi, but हम इस हिंदी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? इसलिए ये पूरा पॉडकास्ट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में करते हैं, बिकॉज दोनों ऑडियंस के लिए फेवरेबल हो सिचुएशंस। एंड रेदर मैं एक और चीज़ जो है, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि फाइनेंस के ऊपर एजुकेशन का फोकस होना भी चाहिए, वैल्यूज और फाइनेंस दोनों जब मिक्स होती है तब एजुकेशन बनती है, बिल्कुल, राइट? एजुकेशन इंडस्ट्री बनती है, और एजुकेशन इंडस्ट्री में आप ये मान सकते हो कि वो फाइनेंस तो है ही, साथ में वैल्यूज ज़्यादा एकदम आपको उसका लेवल हाई रखना होता है, फाइनेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है आपका,
ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल ग्राउंड बनाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल ग्राउंड को स्टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए एडमिशन्स, बिल्कुल राइट, एडमिशन्स चाहिए और फीस चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई बड़ा रास्ता होता नहीं है पैसे कमाने का इन एजुकेशन फील्ड। और अब हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम एक AI का मैप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो है ब्रांच, राइट प्रतीक, बिल्कुल। सबसे पहले ब्रांच, उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि ब्रांच पहले आइडेंटिफाई करना, पहले स्टेप हमारा ब्रांच आइडेंटिफाई करना है, तो ब्रांच क्यों आइडेंटिफाई करनी चाहिए? ब्रांचेस अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में कुछ ऐसी ब्रांचेस भी चल रही है विच आर हॉट स्पॉटिंग, लाइक जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली वो ब्रांचेस बूस्ट कर रही है, जैसे कि मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो ये जो ब्रांचेस है ना, इनके अंदर आज के टाइम में एडमिशन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कोर। तो सबसे टॉप नॉच ब्रांचेस की जो बात करें तो वो ये चार ब्रांचेस ही है, राइट। कुछ जगहों पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंस्टीट्यूशन, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज आज के टाइम में हर एक फील्ड कंप्यूटर के थ्रू चल रहा है, और हर एक चीज़ के अंदर में कुछ एनालिटिकल, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके हम लोग काम कर रहे हैं। इन द रेलम ऑफ कंप्यूटर साइंस तो उसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स को समझते हैं, व्हेन इट कम्स टू बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग हम जीन्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, व्हेन इट कम्स टू केमिकल इंजीनियरिंग वी फॉलो द चेन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, नॉट थर्मोडायनेमिक्स, वी आर फॉलोइंग द चेन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। क्यों आज के टाइम में हम लोग कुछ ऐसा, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस क्या हो रहा है कि जैसे मेरे पास में एक एटम है, मैं उस एटम को सेफली कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कम ज़्यादा करूं? एग्जैक्टली। क्यों? अगर मैं एक ऐसी चीज़ लेके चलता हूँ कि मैंने, मेरे पास में एक लोहे का पीस है, उसके हर एक एटम में अगर मैं इतने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड या माइनस कर दूँ कि वो गोल्ड बन जाए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। इफ़ आई एम एबल टू मेक, जैसे कहते हैं ना, इधर झालू डालो वहाँ सोना निकलेगा, आजकल लोग सीरियसली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सच्ची में इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज आलू भी तो एक एटम है, उसमें भी तो एटम्स है, तो उन एटम्स के मॉलिक्यूल्स को सेफली कैसे अलग कर, मतलब इस चीज को थोड़ा सा सच करने की ट्राई की जा रही है, वी आर नॉट टारगेटिंग एनी काइंड ऑफ पार्टी ऑन पीपल, वी आर जस्ट टारगेटिंग रफ, ओके। तो यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रतीक ने हमें बताई वो है ब्रांच आइडेंटिफाई करना, और ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ब्रांचेज है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, और कुछ ऐसी भी ब्रांचेज हैं जो इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये अभी मतलब ग्रो हो रही है, बट उस स्पेस में ग्रो नहीं हो रही है जिस कंपेरिजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड इसकी बढ़ रही है, बिल्कुल। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आप कोर्सेज पढ़ा रहे हो क्या वो मार्केट के, इंडस्ट्री के हिसाब से अलाइंड है या नहीं, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सी ब्रांच की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और उसके हिसाब से बच्चे एडमिशन लेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान पहले से रखनी होगी कि देखो यार, अपने क्राउड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो, उसका कारण ये है बिकॉज वी डोंट नो वेयर अवर एडमिशंस आर, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज, देन यू डोंट हैव एनी लिमिटेड प्ले ग्राउंड, यू कैन प्ले इन होल वर्ल्ड, राइट, बिकॉज इन द ऑनलाइन कोर्सेज द लैंग्वेज इज जनरली इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल, वी कैन प्रीफर इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और यहाँ पर हम जब पूरे ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास पूरा दुनिया है यार एडमिशन्स के लिए, बट हम केवल अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उसकी सराउंडिंग क्या, वो चीज़ें मैटर में आती है। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपके पहले कोर्सेज अलाइंड है, और सेकेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्राउड का, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा। अब जैसे अगर आपको सपोज MBA का क्राउड है, तो MBA का क्राउड सबसे ज़्यादा लिंक्डइन पे मिलेगा, उसका रीजन क्यों है? बिकॉज एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा जो लोग हैं वो Naukri.com इन जगहों पर आपको दिखेंगे, तो इनको क्या है ना, नौकरी चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, इसलिए वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की, तो वो आपको ज़्यादातर स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, कैफेज, इन जगहों पे ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज जनरेशन जी आ चुकी है, जेन जी जिसको होगा कहते हैं, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके न्यूज़पेपर पढ़ने में, किस में भी नहीं, मैक्स टू मैक्स द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया लोग पढ़ते हैं, वो भी UPSC की और इसकी प्रिपरेशन, नहीं तो जिसके घर पे भी अगर हम जनरल की ओवरव्यू में बात करें तो दे आर द पीपल आर यू नो दे आर जस्ट स्टिकिंग टू देयर फोन विदाउट एनी रीजन, दे आर जस्ट सीइंग देयर फोन्स, बिल्कुल। आजकल अटेंशन स्पैन के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे है अभी अटेंशन स्पैन, सीरियसली आज के टाइम में अगर लोगों के अटेंशन स्पैन की मैं बात करूँ तो सेंसस डेटा 2023 के अकॉर्डिंग
3.7 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन अभी तक चल रहा है। उसे कहते हैं मतलब अगर कोई कंटेंट मेरे सामने आया तो मुझे उसे इतना वेल प्रिपेयर्ड एंड इतने जिसे कहते हैं ना इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो उस 3.7 सेकंड से पहले यूजर का अटेंशन खींच ले। एग्जैक्टली, यानी आप ये देख सकते हो कि जो ये कह रहे हैं वो ये है कि बहुत जगह पे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, मैं प्रतीक की बात को ही डिकोड करके आपको बता रहा हूँ कि वो आपके लिए कैसे यूजफुल है। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो आप जैसे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे होंगे, ठीक है, इवन इफ़ यू आर द बेस्ट, इवन मैं तो कह रहा हूँ आप अगर हार्वर्ड भी हो, ठीक है, तो हार्वर्ड को भी आजकल ये देखना पड़ता है कि जो वो कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो इतना आई कैचिंग हो, क्योंकि बच्चों के पास आजकल चॉइसेस बहुत सारी है, बिकॉज वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए चॉइसेस खूब है। तो यहीं पर ही जो आपका सेकंड या स्टेप निकल के आता है वो ये आता है कि आपको अपनी कंटेंट मार्केटिंग पे वर्क करना पड़ेगा, और इसमें कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो आपको बताएंगे जो कि आपको इसकी हेल्प करेगा CMS के सिस्टम की, बट जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। इवन इसलिए हमारी सिन टेक्नोलॉजीज भी अलग अलग कंपनीज की कंटेंट को मैनेज करने में मदद करवाती है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है प्रतीक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक अभी बीच में एक कंपनी आई थी और उसकी जो सेल्स थी वो राइट अराउंड 100 थी, ठीक है, मतलब एक महीने में 100 क्लाइंट्स आते थे उसके पास। और उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी उनके पास कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी, अगर और उनके पास कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट्स नहीं थे, इसकी वजह से उनका क्लाइंट डेटा बहुत कम था, वो केवल गूगल बिजनेस से उठाते थे क्लाइंट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने हमें दिया, हमने कंटेंट मार्केटिंग पे काम किया और काफ़ी सारी रील्स वगैरह एक कैलेंडर पूरा डिज़ाइन किया। और मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम जो आपका मार्केटिंग बजट है ना वो आप मैक्सिमम इसमें ही डालो कंटेंट मार्केटिंग में, और ये आइडेंटिफाई करके डालो कि कहाँ पर आपके क्लाइंट सबसे ज़्यादा है, वो आपको डेटा एनालिसिस से पता लगेगा, एनालिटिक्स से, ठीक है। थोड़ा डेटा एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे आप कि मतलब आपने जो अभी तक ऑब्जर्व किया, आप काफ़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी जिस तरीके से वो क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं किस तरीके से डेटा एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। यार अगर क्लाइंट अप्रोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट अप्रोचिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वो लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि जैसे अब मैंने कि कोई मेरा एक क्लाइंट है, कोई वो क्लाइंट आया मेरे पास में या मेरी कंपनी के पास में, वो हमारी कंपनी को बोलता है सर आई हैव टू बिल्ड दिस, मतलब कि मुझे वेबसाइट चाहिए, इसमें मेरे को ये फीचर्स चाहिए। जैसे मैं MLM करके एक प्रोजेक्ट आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक चीज़ होती है, उसमें क्या होता है जैसे एक यूज़र है, यूज़र के नीचे यूज़र है, ज़्यादा चलती नहीं है वैसे वो आज के टाइम में, बहुत पहले चलती थी अब बंद हो चुकी। तो उसका एक क्लाइंट आया था मेरे पास में कि सर मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग की पूरी एक वेबसाइट चाहिए। ओके, मैं कह ठीक है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है आप हमें बता दीजिए, कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जैसे ये हमारे पास में ग्राउंड टीम है, ये मेरे पास जैसे मेरे पास में ऊपर में अभी मेरे पास में एक रूट है, उसके तीन ब्रांचेज है मेरे पास में, एक ऊपर में एक कॉइन है, उस कॉइन को मैंने तीन जगह से कनेक्ट कर दिया, तीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो अगला जो होगा वो फर्स्ट जो ये कॉइन का जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है इसके नीचे आना चाहिए, ये सब बाकी की मतलब एक तरीके से ट्री स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, मैं कहा ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जब उस बंदे का काम ख़त्म हुआ तो उसने मेरे को बोला कि अब मैं इसको किस तरीके से होस्ट करूँ, बोला आप इस तरीके से कर दीजिए जो कि होस्टिंग की सर्विसेज होती है, होस्टिंगर वगैरह पे डाल दिया। अब उसका क्या है डेटा सेव होता रहता था। उसने मेरे को एक दिन बोला बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, कोई मैं किसी रिसर्च पे काम कर रहा था, तो मेरे को वो उसका फ़ोन आता है कि सर ऐसा करना है मुझे कि ये मेरे पास में मेरा डेटा है, मेरे पास में इतने क्लाइंट्स आते हैं, मुझे मेरे क्लाइंट्स बढ़ाओ। अब यार उस टाइम एकदम से ऐसा अगर कोई बात हुई मेरे क्लाइंट्स बढ़ाओ तो यार एकदम माइंड में ऐसे ही आते कि यार किस तरीके से बढ़ाए। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ करी, जो भी उसका डेटा है मैंने बोला आप पूरी एक टीम बैठाओ, उस बंदे ने थोड़ा बहुत बजट वगैरह डाल के एक पूरी टीम निकाली, उनको हायर किया, एक टीम बैठाई और मेरे को बोला अब आपको जो बात करनी है आप इनसे कर लो। जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे 5 से 6 जने थे वो लोग, मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि ये जो डेटा है पुराना इनमें जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं एक नंबर को पकड़ो उसको कॉल लगाओ, सबसे फर्स्ट थिंग मैं बता रहा हूँ, एक नंबर को पकड़ो कॉल लगाओ। कॉल लगाया, जब वो कॉल किया तो पता चला कि यूज़र को एक्चुअली में वो जो MLM की जो चीज़ है उसका अब उससे कोई यूज़ ही नहीं है। तब हमें एक्चुअल में पता चला कि अब MLM की जैसी जो चीज़ें हैं ऑब्सोल्यूट होती जा रही है, सो वी गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। जब हमें यूज़र से ये चीज़ें पता लग रही है कि उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उससे बढ़िया बढ़िया भी चीज़ें मार्केट में है, तो अपन वो फीडबैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। Exactly. जब वो फीडबैक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम यूज़र को बोलेंगे आप इसे एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में भेज दो, और या फिर अगर
मैं चैट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑडियो प्रोसेसिंग से भी उस चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ कि भाई उसने बोला क्या एक्चुअल में, स्पीच टू टेक्स्ट मतलब डेटा कलेक्ट करके उसका रिपोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट बना दो। अब मेरे पास में बहुत सारे सेंटीमेंट्स है रिलेटेड टू MLM कि यार MLM ऐसा है, MLM वैसा है, इस तरीके उस पर हम एक मॉडल को अगर ट्रेन करें, मॉडल ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं है, वी कैन यूज सिमिलैरिटीज, कोसाइन, मैनहट्टन एंड इक्विलिटी इन डिस्टेंसेस, ये चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। जब हम ये चीज़ें करेंगे, मैं कोसाइन को लेके चलता हूँ बिकॉज सबसे बेस्ट मानी जाती है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके प्रतीक जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप इसमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना कि कोसाइन डिस्टेंस और ये चीज़ें क्या है, ये सारी मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं। अगर आपको इजी में बताता हूँ, सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पूरा क्लस्टर है, सपोज ये सारे MBA के बच्चों के एडमिशन है, ठीक है, यहाँ पर एक नया डेटा पॉइंट आता है, तो अब ये क्या चांसेस है कि MBA में एडमिशन लेगा या कोई और फील्ड में एडमिशन लेगा, तो ये सारा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो दो मेरे पास में क्लस्टर्स है, मेरे पास में एक डेटा पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके सेंट्रॉइड से मेरी डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंट्रॉइड से मेरी डिस्टेंस कितनी है, जिसकी कम डिस्टेंस होगी वो डेटा पॉइंट उस क्लस्टर का उस क्लस्टर में जाएगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप मशीन लर्निंग का जो कि हमारा फोर्थ स्टेप था जब कंटेंट मैनेजमेंट के बाद, आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको AI के टूल्स को दबा के यूज करना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, क्योंकि देखो सुनो, आपको AI के टूल से स्पीड मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी और आइडियाज मिलेंगे, और ये चीजें आज के टाइम में ChatGPT जैसे टूल्स बहुत आराम से कर सकते हैं। कि मेरे को अब जैसे मैंने फीडबैक ले लिए, तो ये फीडबैक एक MLM की वेबसाइट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ GPT को। जब मैं GPT को ये प्रॉम्प्ट दूंगा, वो मेरे को क्या इनसाइट निकाल के देगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैं उसको बोल दूंगा कि ये पूरा डेटा लो, इसको मुझे एक टैबुलर फॉर्मेट में जनरेट करके दे दो, यस नो में सेंटिमेंट्स, ठीक है। उस सेंटिमेंट को मैं प्लॉट कर दूंगा या उसका एक एनालिटिकल वे, बिकॉज वो CSV फाइल मेरे किसी काम की नहीं अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं एक ग्राफिकल या पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं लेकर आऊँ, दैट पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी मोर यूजफुल फॉर मी एज कम्पेयर टू दिस CSV फाइल। ये डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर BI जैसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके बिल्कुल हजारों के डेटा को एक अच्छा सा डैशबोर्ड फॉर्म में दे सकते हो, जो कि हम हमारे कोर्सेज में पढ़ाते भी है, सिखाते हैं। बिल्कुल, लाइक हम जो हमारा जनरेटिव AI का स्पेशलाइजेशन है उसमें हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं, कैसे आप चीजों का प्लॉट कर सकते हो, कैसे आप डेटा पे वर्क कर सकते हो। हमने ही कोर्स डिजाइन किया है काफी Power BI का, और हमारे साथ काफी प्रोफेसर है जिन्होंने मिलकर इस कोर्स में काम किया है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो सीन एजुकेशन पे जाकर कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप आराम से जाकर उस पर देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी AI को यूज करके चीजें करें, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप में अभी हाल ही में मेटा ने भी अपना AI लॉन्च कर दिया जो कि लामा मॉडल पे है। बिल्कुल, ठीक है, यहीं पर ही आप देखोगे कि ChatGPT भी अपना मॉडल ला रहा है, ठीक है, 4o यानी 4omni मॉडल आ गया है, ठीक है। यही नहीं, आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपना Copilot पे काम कर रहा है। इवन मैंने ये देखा कि व्हाट्सएप का जो मॉडल ना वो है ना यार, वीडियो भी जनरेट करता है, फोटो वीडियो सब कुछ जनरेट कर रहा है वो। बिल्कुल, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में AI टूल्स को जरूर रखिए। तो अभी तक हम कहां तक पहुंचे प्रतीक? पहले हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले मार्केट से फीडबैक लेना है, कौन सी ब्रांच या क्या आपका जो सिलेबस है इंडस्ट्री के हिसाब से अलाइंड है या नहीं। बिल्कुल, ठीक है, इसका ही सब पॉइंट ये था कि आपको ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपको प्रीवियस स्टेप से पता लग जाएगा। तीसरा, आपको कंटेंट का मैनेजमेंट करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें करनी है। चौथा, आपको AI को यूज करना है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप स्टेट्स टारगेट कर सकते हो, स्टेट्स के अंदर भी किस एज ग्रुप को आपका एड दिखाना है वो टारगेट कर सकते हो, और उस एड को भी आपको लड़कियों को दिखाना है, लड़कों को दिखाना है, और कौन सी एज ग्रुप होगी वो भी आप टारगेट कर सकते हो। तो डेटा एनालिटिक्स से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके मैक्सिमम एडमिशंस कहां पर है। बिल्कुल, ठीक है, और कंटेंट मैनेजमेंट और AI के टूल्स को यूज करके आप सोशल मीडिया के लिए बहुत शानदार पोस्ट बनाओगे, और फिर आपको स्टेट्स को टारगेट करके अपने एड वहां पर चलाना है, दैट्स इट, और आपके एडमिशन आएंगे। और यही स्ट्रेटेजी है जो बड़ी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और ये चीजें भी यूज कर रही है। कुछ आपको और चीजें फोकस करना है, वो है इवेंट्स पे। क्यों? Events. इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रतीक एक इंस्टीट्यूट में है, प्रतीक से थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इवेंट, ये फाइनल पॉइंट है, कैसे एक इवेंट जो है ये मतलब इंटरनल बच्चा कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए एक इंस्टीट्यूट में, उस पर थोड़ा सा। एक बच्चा जो अगर मेरी बात करूँ, मैं मेरी इंस्टीट्यूट से किस तरीके से सेटिस्फाई हूँ, तो यार अगर मुझे वहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना क्वालिटी वे में एजुकेशन मिल रही है, अगर मैं एक टीचर की भी बात करूँ, इफ़ ही इज़ केपेबल एनफ टू सेटिस्फाई माई डाउट्स, देन दैट टीचर विल बी माई जिसे कहते हैं ना
कि वो जो टीचर होगा वो मेरे लिए सही होगा, दैट टीचर विल बी अ करेक्ट पर्सन टू टीच मी दैट सब्जेक्ट, राइट। जैसे कि अगर मैं किसी एक कंप्यूटर साइंस ग्रेड की बात करूँ, कोई अगर ऐसा टीचर है जो कि कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएटेड है एंड ही हैज़ टू बी एक्सपीरियंस इन दीज डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिदम्स सब्जेक्ट, तो वो मुझे DSA पढ़ा सकता है। अगर उसे कंपनी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो मुझे DSA पढ़ा सकता है। अगर एक बंदे को किसी कंपनी के अंदर में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या कोई ऐसा बंदा है जिसने कि रिसर्च पेपर्स मशीन लर्निंग के रेलिम पे लिख रखे हैं तो वो पढ़ा सकता है, तो वो मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ा सकता है। अगर मैं कि ऐसे टीचर की बात करूं जो कि इसी का है, EEE का है या फिर मैकेनिकल का है, अगर वो मुझे मशीन लर्निंग पढ़ाने तो आ रहा है, एफिशिएंटली नहीं होगा, वो उतना एफिशिएंटली मेरे को नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। और अगर ये भी हो सकता है कि वो मुझे गलत पढ़ा दे, मैं लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन दो बहुत ही सिंपल मॉडल से मशीन लर्निंग के, अगर उस बंदे को अगर वो मुझे इतना पढ़ा पा रहा है कि लाइक जो मेरा लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो सिंपल से एक ML का मॉडल है जो कि मेरे को एक लाइन प्लॉट करके दे रहा है। अगर उसे अगर मैं ये इतना ही अगर वो मेरे को ये बंदा अगर मुझे एक्सप्लेन करे कि यार एक लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ही हैजंट बी नोन। कुछ ऐसे ही मैंने टीचर्स देखे हैं जो कि मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं बट उन्हें ये तक नहीं पता ये एल्गोरिदम्स होती क्या है। मतलब कुल मिला के टीचर्स पे आपको ध्यान देना है, टीचर्स पे पूरा ध्यान देने की जरूरत और पढ़ाई को एज अ कॉम्पिटिटिव वे और एज अ फन वे में आपको पढ़ाना है, जिससे बच्चे को महसूस ही नहीं हो कि वो पढ़ रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड पढ़ाई, केस स्टडी ओरिएंटेड पढ़ाई, और रेगुलरली आपके कॉलेज में वर्कशॉप्स, इवेंट्स वगैरह होते रहने चाहिए और डेट टू बच्चों को लीडरशिप देके, उससे ये होता है ना एक हेल्दी माहौल होता है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहूंगा फाइनली। और कुछ आप कह रहे थे प्रतीक, और इवेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अब कोई एक इवेंट करवाता है, जैसे मेरे जो कॉलेज है रेकॉन होता है, अच्छा खासा हैकाथॉन का इवेंट होता है, वहाँ पर बहुत जैसे कहते हैं ना अच्छा खासा माहौल बनाकर वहाँ पर कोडिंग वगैरह का सारा होता है, तो वो जो चीज़ है ना वो एक कॉलेज की सेल्स प्लस इंटरनल जो अपना जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ बच्चों को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट भी मिलता है, कंटेंट भी मिलता है, ये कंटेंट मिलता है, करेक्ट, राइट। और जब इस तरीके से अगर अपन किसी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मैं कंपनी भी ले लेता हूँ बिकॉज कंपनीज भी इस तरीके से काम करती है, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन को भी अगर मैं इस तरीके से लेके चलूँ ना, विद इन अ ईयर उस कंपनी के एडमिशन्स के अंदर में मैं गारंटी लेता हूँ अराउंड 30% का बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स की, ठीक है, तो वो तो है ही है, देखो वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सीन के ऊपर मैं थोड़ा बात करते हैं कि यार ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को जो बंदा करवाता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिसर, द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो क्या होता है ना आज के टाइम में, जैसे अगर मैं कुछ जगहों पर बात करूँ तो जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जितने भी जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं इस कंपनी में बात करूंगा, आज मैं उस कंपनी में बात करूंगा। दे शुड बी एक्टिव एंड देयर कनेक्शन शुड बी ग्रेट, और ऑल टाइम। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या होता है सिर्फ अपने बैचमेट्स के साथ में होते हैं, ठीक है। मैं देखा है कुछ कॉलेजेस के DPO, जैसे कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं, हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी कॉलेजेस है, ठीक है, किसी भी कॉलेज को हर्ट नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, कोई भी कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कुछ कॉलेजेस है जो कि क्या करती है, उनके जो जैसे कहते हैं ना वहाँ पर कोई TPO नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहीं पे है भी तो उनके कनेक्शंस और वो इतने उस लेवल पे नहीं है जो मतलब होने चाहिए। लाइक हमने ऐसे डायनेमिक TPOs को भी देखा, इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी थे ऐसे डायनेमिक TPOs जिनको मैंने देखा है, और मैंने उनको देखा और उनका एडमायर भी करता हूँ मैं कि किन तरीके से उनका वर्किंग कल्चर था, ठीक है। कुछ ऐसे TPO होते हैं जिनके अंदर से रेडियंसी अलग आती है कि भाई उनके कनेक्शन इतने सुपर लेवल पे होते हैं। तो मेरा ये फोकस रहेगा, ये जो हमने आपको स्टेप्स बताए इनको ढंग से गौर दें और इस चीज़ पर समझें, और यहीं पर ही मैं इस पॉडकास्ट को ओवर करना चाहूँगा। बट मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप सबको भी चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यूजिंग AI बूस्ट कर सकते हो, ये कुछ स्ट्रेटजीज थी। टिल देन हम आपको ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे विद नेक्स्ट इंडस्ट्री। प्रतीक मिलके बहुत अच्छा लगा, वापस एक अगले पॉडकास्ट में वापस मिलते हैं, और ऐसे ही एक और इंडस्ट्री आप कमेंट भी कर सकते हो, तो हम उस इंडस्ट्री पे ट्राई करेंगे एक नया पॉडकास्ट शूट करने की, और जो नाम डालेगा उसका भी हम शाउट आउट देंगे उसको भी। टिल देन इट्स हर्षवर्धन शाह।